Hi guys, welcome back to another reaction video joined by Sumayya Naz, the losing team. So, so guys, आज react करेंगे कौन फायर वो इज इज ये क्या हुआ लास्ट ईयर याद है ना कल क्या भगा भगा तो नहीं मारा चलो मारा बट मारा ना बस नॉर्मल हमेशा की तरह हमारी पूरी टीम नहीं होती क्या बड़े बड़े आदमी गाइस कमेंट्स में लोग ले रहे हैं इमरान खान पीएम ही है ना इसलिए इनकी टीम हार गई ठीक है स्टिल ओह माय गॉड सो गाइस आज रिएक्ट करेंगे खून फाया खून रॉक स्टार जो वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है दुनिया की और समझ तुमने देखी हुई पहले बता हाँ सच बताना झूठ नहीं आया ना हाँ हाँ देखिए तुमने गाने सुने उसकी मूवी के सारे आप फैन हो सिंगिंग के तो आपने इस एल्बम के गाने जो रॉकस्टार मूवी के एल्बम थी रॉकस्टार करके अगर आपने वो नहीं सुनी तो आप संगीत के फैन नहीं है सो आप आराम से बैठ जाइए सुनेंगे कुन फाया कुन इस मूवी की सारी एल्बम पूरी सुनेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन पक्का दबा दें तो लेट्स स्टार्ट दी वीक और मैं तो मैंने देखूं जो अपनी वीडियो बंद करी है ओके यू वांट टू सी अ मैरिड गाय हां ओके इट्स फाइन लेट्स स्टार्ट दी वीडियो या निजाम दीन औलिया एक सेकंड तू मुस्लिम है ना वैसे तू ही बता तू दरगाह को मानती है ओके सो गाइस कितने लगता है मुस्लिम लोग मानते हैं कितने मुस्लिम परसेंट लगता है उन्होंने परसेंटेज मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये नहीं पता दरगाह क्या होती है दरगाह नहीं पता क्या तुझे क्या होती है वीडियो में एक देख लेना बताऊंगा दिल्ली में मैं गया हूँ यहाँ पे यू नो जस्ट आज के कमेंट नहीं करना आज जस्ट फील कर म्यूजिक को अगर तू सच्ची मुसलमान की आंखों में तेरी आंखों में आंसू आना चाहिए इस वीडियो के अंदर ओके सो लेट्स ट्राई आजा खाली पल में पीका घर तेरा तेरे बिन खाली आजा खाली पल में तेरे बिन खाली आजा ये एंट्रेंस है ठीक है इस साइड से लेफ्ट साइड मुड़ जाते हैं ये एंट्रेंस है जहाँ पे हाँ मैं गया हूँ सिम टू भी होने से मैं डर लगा बिकॉज इतना चिल्ला रहे थे ना ये लोग वहाँ पे इतना चिल्ला रहे थे ना ए चप्पल उतारो ये क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो मतलब डांट डांट रहे थे हमें ये लाइक हम क्यों अंदर क्या होता है देख लेना अभी देख लेना अब कैसा है अब मैं रोक गाइस इसके बारे में पक्का रोकूंगा बता दूंगा इसको क्या सीन क्या है वहां से एंट्री हुई और इसके बाद यहाँ से अंदर आते हैं बीच में ऐसा आता है और यहाँ पे पंजाबी में जैसे उसको बोलते हैं जो होती है ना जहाँ पे उसको बोलते हैं समाधि यहाँ पे समाधियाँ बन रही थी बहुत सारी पंजाबी में बोलते हैं उसके बाद एंट्रेंस होती है एंट्रेंस पे एक बीच में एक उसको पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे अपनी भाषा में बोलूंगा तो आई थिंक तुम्हें हर्ट ना हो जाए इसलिए मैं बोलेगा वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया वही वही माया
यार मैं इतना बड़ा फैन हूँ इस गाने का, इस एल्बम का ना, मुझे एक एक ट्यून, एक एक लिरिक्स याद है, एक एक टाइमिंग पता मुझे कहाँ पे क्या आने वाला है। सवेरा मेरे तन बरसे कचरा अंधेरा तेरी चांदी ला सजरा सवेरा मेरे तन बरसे कचरा अंधेरा तेरी चांदी ला अतरा मिला जो तेरे दर बरसे ओ मौला वैसे मतलब क्या कुन फाया, मतलब क्या है? कुन ना मतलब अल्लाह अल्लाह ताला इज ऑर्डरिंग के हो जा एंड फाया कुन हो गया। अच्छा ये क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, मतलब ये मुझे हमेशा से बताऊं? क्वेश्चन। हाँ हाँ अच्छा, तू नहीं मानती जो, मुझे नहीं। अच्छा तुझे मानती नहीं, तुझे पता नहीं। बट लिटरली बुरा मत मानना, बस सेम मुझे ही लगता रहा, सिर्फ एक मुस्लिम मुस्लिम ही एक ऐसा रिलीजन है जिनके बिलीफ सबके एक जैसे हैं। बट हाउ माई गॉड, सो मई नाज, यू ब्रोक माई हार्ट। ये है मतलब मेन चीज जो, मतलब है ना, जो मैंने बताया दरगाह है ना, उसकी जो बीच में ना सबसे सेंटर, ये मतलब इस मतलब ऐसे पड़ा है, और मुझे पता नहीं गया इसको हम क्या बोलेंगे। तो उसके बाद यहाँ इसके तुम्हारी चार, लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मैंने बताया ना पहले, जो मैंने बताया पहले क्या, मैं क्या बोला था पहले, मैं भूल गया खुद। पंजाब में कुछ वर्ड है मतलब इंग्लिश करते हैं, बट वो इधर एज फूल क्यों डाले हुए हैं? पता नहीं ना, मैं तुझसे पूछने वाला, बट तुझे खुद नहीं मालूम, अब क्या करूँ। अब इसके तरफ चारों तरफ परिक्रमा करके निकल जाते हैं लोग, ऐसा किसको था किसकी दरगाह है? नाम है हजरत निजामुद्दीन दरगाह, हजरत निजामुद्दीन दरगाह ये है नाम। निजामुद्दीन। ये कवर है, क्या पूछ ली? दिल्ली कब्र दे। है उनकी। अच्छा फिर हाँ भाई, ये क्या, हम ऐसे चार सड़क घूम के चले गए थे। अब यहाँ बोलेगा, क्या यहाँ पे मैं कुछ दिन रह पा सकता हूँ, जैसा बोलता भी।
शायद बोलेगा नहीं बोला, गाने में नहीं बोला, बट रियल लाइफ रियल मूवी बोलता। और बताओ मतलब सीरियसली सुमैया नाज, मैं लाइक मैं तो आई फैन हूँ, नो। मैं फैन हूँ इस सॉन्ग हाँ, का। सो मुझे मैं इस सॉन्ग के हर लफ्ज की फैन हूँ, व्हाट अबाउट द क्योंकि ये टॉप, मेरे बेस से बहुत व्हाट अबाउट द टॉपिक, करीब। व्हाट अबाउट द लाइक शुड आई टॉपिक? आस्क क्वेश्चंस और शुड आई जस्ट यू नो लीव इट? नो, इफ यू वांट यू कैन आस्क, आई विल ओके सो आंसर। टेल मी व्हाई डोंट बिलीव इन दरगाह, बिकॉज वहां पे मैंने देखा बहुत सारे मुस्लिम से, वो ऑलमोस्ट मुस्लिम ही है वहां पे, तो व्हाई? पहले यार फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यू आर हर ट्रू एक मुस्लिम और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेल, टेल मी दैट। ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ट्रू मुस्लिम। हाँ सो व्हाई यू डोंट आई बिलीव बिलीव इन? इन वन गॉड, आई बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो आई एम अ आई डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन एंड यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ देख सेकेंडली, देखा, ये जो इसने लास्ट में टॉन्ट मार के बोला ना, अब इसको मेरे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट मैं जब तक ये आंसर नहीं देगी मैं जब छोड़ूंगा नहीं। अगर कैमरा छोड़ के भागी वो अलग बात है। टेल मी हाँ, क्या क्या सो व्हाई यू डोंट बिलीव? क्योंकि जितना मुझे देखो, मालूम है, जितना मुझे मालूम है, मुस्लिम लोग सब एक ही चीज को फॉलो करते हैं, अल्लाह, राइट? वो सारे ये सब मुस्लिम ही मानते हैं। हाँ हाँ मानते हैं, बट फिर हर व्हाई एक के लिए, हर एक के लिए दरगाह का अल्लाह जो तक कंसेप्ट है पहुंचने, वो इस्लाम में नहीं है? मेरे लिए वो इस्लाम में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए है। कुरान में क्या मेंशन है? तो देर इज नथिंग एज दरगाह, और मैं कोई स्कॉलर नहीं जो मैं बात बता सकूं पहले से, पहली बात। ओके कुरान में, तूने ठीक कुरान है। पढ़ी है वैसे ना? सही बता, उसे मेंशन है नहीं? हाँ है ना। नहीं, ओके लेट्स सी गाइस, बाकी कमेंट्स में आप बताएं, क्योंकि मैं सीखूं मुझे नहीं मालूम अगर इफ शी इज और राइट और दूसरी बात नॉट। ये है, देखो कुरान के अंदर बहुत सारी चीजों की डिटेल्स नहीं मिलती हैं, वो उसके लिए दूसरी बुक्स होती हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम नॉन मुस्लिम हो तो मैं नहीं समझ आएगी ये वाली बात, क्योंकि तुम्हारा इतना उस चीज से कनेक्शन नहीं है। मेरी बात मुस्लिम समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और जैसे सारे मुझे सिखों का तो नहीं पता, हाँ जैसे सारे सिख वेजिटेरियन नहीं होते। नहीं ये कोई बात बनी? नहीं नहीं, नहीं ये बनी बनी, लिसन। कोई नहीं, मैं तुमसे एक बात पूछ रही बात हूँ, बनी? मैं पूछ हाँ रही हूँ, हाँ तुम लोग बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाते हो, बिल्कुल भी किसने नहीं किसने खाते हो, बोला, ठीक है? किसने बोला कि कौन नहीं खा, क्यों नहीं खाते? खाते हैं, ओके ठीक है, तुम्हारी बात नहीं करती नहीं मैं खाते? हिंदू की हाँ बात कर लेती हूँ, हाँ हाँ हिंदू क्योंकि वाला पूछ क्योंकि ले, हिंदू थोड़ा बहुत मालूम। धर्म में जो ब्राह्मण प्रॉपर हिंदू होते हैं ना, उनके यहाँ गोश्त खाना अलाउ ही नहीं है, लेकिन कुछ हिंदू खाते हैं और बगैर गाइस झुटके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खाते टेक केयर, हैं। बाय बाय एंड पीस आउट।